अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई व्लॉगिंग करने लगी हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हैं तो व्लॉगिंग के लिए कोई इतना ख़ास कंटेंट होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँ जो कि मैंने रैंडमली फेसबुक स्क्रॉल करते हुए पढ़ी थी, जिसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हुआ उस स्टोरी को पढ़ने के बाद। तो मैंने वो अपने होम के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है घर में, हर घर में मेरे ख्याल में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स का ऐसा ग्रुप बना हुआ होता है जिसमें सारी कन्वर्सेशंस वगैरह होती हैं। तो ऐसा ही हमारे घर में भी ऐसा ही है कि होम का एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पर, उसमें कोई ना कोई हमेशा अच्छी अच्छी बातें शेयर करता रहता है। तो ऐसा ही था कि मैंने भी उस ग्रुप में वो चीज़ शेयर की और सबने उस स्टोरी को बड़ा पसंद किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, व्लॉगिंग तो नहीं कर रही लेकिन एक मैं ऐसी चीज़ शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि जिससे बहुत से लोगों को एक उम्मीद मिलेगी, बहुत से लोग शायद अपने खुदा से शिकवा करना कम कर दें। क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में जब भी कोई भी मसाइल पैदा होते हैं तो हम समझते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे, आखिर मेरे में क्या कमी थी, या मैं यार ये हासिल क्यों नहीं कर सका, या मैंने इतनी मेहनत की थी यार मुझे इसका कोई सिला ही नहीं मिला है। तो ऐसा हम सब की लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आता है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं। तो वो जो एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी उसमें भी ऐसा ही था कि एक इंसान के साथ काफ़ी बुरा हो जाता है और फिर भी अल्लाह ताला जो है उसको किसी ना किसी चीज़ से नवाज़ देता है, फिर जो उसको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए इस पर अल्लाह ताला का, और मैं क्या अल्लाह से गिले शिकवे कर रहा हूँ। तो मैं एक ऐसी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आखिर में अगर आपको वो स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, तो वो स्टोरी कुछ यूँ थी कि एक ताजिर, बहुत सारे ताजिर थे, एक जहाज़ पर अपना सामान वगैरह उस पर लाद के लेकर जा रहे थे शहर की तरफ, उसको बेच कर ताकि नफ़ा कमाए। उसमें एक नया ताजिर था, वो नया ताजिर जिसका सबसे ज़्यादा सामान था उस जहाज़ में। लेकिन बीच रास्ते में जा के उन ताजरों को पता चला कि यार ये जहाज़ तो डूबने वाला है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ना इसका सामान कम करना है, ये जहाज़ पे वज़न ज़्यादा हो गया है। अब सबको ना एक एक मायार दिया गया था, एक काउंट दिया गया था कि आपने इसके अंदर अंदर अपना सामान लेके आना है। जिस तरह जहाज़ में हम जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि इतने केजीज तक आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ सामान, उस जहाज़ पर भी जो बहरी जहाज़ था उस पर भी ऐसा ही था। अब जो नया ताजिर था उसने, उसका सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो जब ऐसी नौबत आई कि जिसमें सामान फेंकना था जहाज़ से ताकि जहाज़ डूबे ना, तो तमाम ताजरों ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम सामान जो है यहाँ से फेंक देनी चाहिए। अब सब ने मिलकर बोला कि ये नया ताजिर है, ये वाला नया ताजिर है, तो ऐसा करते हैं हम ना कि इसका सारा सामान फेंक देते हैं और हम अपना बचा लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सामान लेके आया है। तो उस ताजिर ने, जाहिर है उसने बोला कि यार मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो सारा, सब ऐसा करते हैं थोड़ा थोड़ा सामान अपना अपना फेंक देते हैं, मेरा तो वरना सारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात करनी थी उसकी, तो जो सारे ताजिर थे उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि यार इसको भी फेंक देते समंदर के अंदर। उसका सारा सामान फेंक दिया और उस ताजिर को भी पानी में फेंक दिया। अब वो मौजें इतनी तेज़, इतना समंदर तेज़ कि वो उन, जब उसको फेंका गया तो उसको तो लगा मैं बचूंगा ही नहीं, मेरा सामान भी चला गया, मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो सब चली गई। तो लेकिन ये हुआ कि जब वो पानी में गिरा और इतनी ज़्यादा लहरों में जा गया तो वो बेहोश हो गया और उसकी आंख खुली कहाँ पे, समंदर के किनारे पर। और वो एक ऐसा जज़ीरा था जहाँ पे कभी कोई इंसान रहा ही नहीं था। वो उठा, उसने अपने आसपास देखा, उसको वहाँ पे कुछ नारियल के दरख्त दिखे, कुछ उसको खरगोश दिखे, उसने वहाँ पे झोंपड़ी बनाई, वहाँ पे उसने रहना शुरू कर दिया खरगोशों को ज़िबा करके, और वहाँ के जो फल वगैरह थे उनसे उसने गुजारा करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो इसी तरह ही खाना बना रहा था और उसकी झोंपड़ी को भी आग लग गई। अब आप सोचें कि एक बंदा ताजिर, नया नया, उसका इतना सारा सामान वो बह गया, किसी काम नहीं आया, वो किसी जज़ीरे पे आ गया जहाँ पे कोई इंसान ही नहीं रहता है, फिर एक झोंपड़ी जो उसके पास थी, कुल मलकियत थी उसकी, उसको भी आग लग गई। अब वो
अब वो जाकर ना अपने अल्लाह से शिकवा करने लग गया। उसने बोला, या अल्लाह पहले तूने मेरा सारा सामान डुबो दिया, उसके बाद मुझे जहाज़ से उन्होंने फेंक दिया, अब मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है, मेरे पास एक झोंपड़ी थी तूने मुझसे वो भी ले ली है। कुछ देर गुजरी और दूर से ना उसने देखा कि कोई मल्लाह आ रहे हैं जो वहाँ समंदरों में रहते हैं, और तो उसने वो आए हैं इसके पास और उन्होंने उसको आके कहा कि हम दूर से देखा हमने कि इस जज़ीरे से आग आग जो है वो आग का धुआं वो हमें दिखा, तो हमें यकीन हो गया कि यार यहाँ पे तो कोई इंसान रहता नहीं है, यकीनन कोई वहाँ पे फंस गया है और उसको हमारी ज़रूरत है, तो हमें जाना चाहिए उसे बचाने के लिए। अब वो पहले तो बड़ा हैरान हुआ कि देखो मैं जिस चीज़ पर शिकवा कर रहा था कि मेरी जल गई है, झोंपड़ी जल गया, उस पर तो मुझे ये बचाने आ गए लोग। तो अभी ये बात उन्होंने की थी कि एक और बात की जिसने इसको हैरान कर दिया। अब वो क्या बात थी? अब उन्होंने कहा मल्लाहों ने कि जिस जहाज़ से तुम्हें फेंका गया था वो जहाज़ आगे जाके पूरा का पूरा डूब गया, उसमें कोई भी नहीं बचा, एक बंदा नहीं बचा, ना उनका कोई सामान बचा और ना ही कोई एक बंदा बचा। तुम बच गए हो इसलिए क्योंकि तुम वहाँ पे उन्होंने फेंक दिया, तुम लहरों के साथ आ गए हो यहाँ और तुम बच गए हो। तो उसने फिर सोचा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसने बोला कि मैं इतना शिकवा कर रहा था और इसमें तो अल्लाह की मसलहत थी। तो आखिर में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, कोई भी मसाइल पैदा होते हैं, तो आप फिक्रमंद ना हुआ करें, आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि जो भी हमारे हक़ में बेहतर हो ये अल्लाह तू वही कर दे। और अल्लाह ताला बेशक वही करता है, अपने बंदे पर वो ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और ऐसा ही है। और लेकिन बस ये है कि हम कभी कभी हमारा ईमान शायद, हमारी कुव्वत अल्लाह ताला के ऊपर ईमान हमारा शायद थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसकी मसलहत को समझ नहीं पाते। तो हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप फिक्रमंद मत हों, हो सकता है अल्लाह ताला आपको किसी नुकसान से बचा रहा हो, और कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आपका टल जाए, कोई आपके ऊपर कोई बीमारी आई है, हो सकता है अल्लाह ताला, कोई छोटी बीमारी आई है अल्लाह ताला, हो सकता है आपको बड़ी बीमारी से बचा रहा हो, आपके कोई छोटा सा नुकसान हुआ, आपकी छोटी सी चोरी, हो सकता है अल्लाह ताला आपको बड़ी चोरी से बचा रहा हो। और अगर आपको छोटे छोटे फेलियर्स मिल रहे हैं तो क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बहुत बड़ी कामयाबी रखी हो, इसी वजह से आप कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे। तो कोशिश करते रहिए और ना उम्मीद ना हो, और मेहनत करते रहिए, और इसी तरह जो है वो खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और ना उम्मीद कभी भी मत हो, क्योंकि ना उम्मीदी तो कुफ्र है और मुसलमान जो है वो कभी भी ना उम्मीद नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें से कोई नॉलेज या कोई भी एक उम्मीद या मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिली हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।